अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुर्रम नवाज़। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी समझ आ सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एरोप्लेन मोड के कुछ ऐसे खुफिया राज या ऐसी कुछ बातें बताएंगे जिनको आप नहीं जानते। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखा करें और उनको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो होती है उसको हम अच्छी तरह इम्प्रूव करें। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लगती है, वॉइस अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, एरोप्लेन मोड जो कि आप मोबाइल में मौजूद होता है, उसको कैसे इस्तेमाल कीजिए, इसको कुछ ना कुछ मकसद तो होता होगा, इसलिए तो इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब नहीं मालूम तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास एरोप्लेन मोड है। अब हम आपको ये बताते चलें कि एरोप्लेन मोड का जो पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और अगर आपको कोई इग्नोरेंस, मतलब आप अपना फ़ोन ऑफ नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपको कोई कॉल्स वगैरह ना आए और आप वहाँ से बच भी जाएँ, तो इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप अपना एरोप्लेन मोड ओपन कर लें। इससे देखें, जैसे हम ओपन करेंगे, वालन हॉटस्पॉट और मोबाइल डाटा दोनों हमारे जो है ब्लर हो गए, ये गायब हो गए। इसलिए वजह से हुए क्योंकि देखें आप ये दोनों शो हो गए, तो इस वजह से हमें क्यों एरोप्लेन मोड ऑन हो गया था और हमें ना कोई कॉल्स कुछ भी नहीं आ सकता था। वो अब ये बताएगा कि आपका नंबर बंद है। तो ये था एक पहला फंक्शन। अब इसका दूसरा मकसद ये है, अब एरोप्लेन मोड का दूसरा फ़ायदा ये है कि अब जैसे कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपना नेट, अब देखें जैसे कि मैं अपना डेटा ऑन करता हूँ, अब देखें यहाँ पर 4G आ रहा है, बस यहाँ पर 2G लिखा आ जाता है, 3G लिखा आ जाता है और हमारा ये सही तरह से कनेक्ट ही नहीं होता, और मतलब नेट हमारा सही तरह से यूज़ नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी आप एरोप्लेन मोड को यूज़ किया करें, एरोप्लेन मोड को ओपन करें, ऑन करें और एक मिनट के बाद फिर इसको ऑफ़ कर दें और अपना डेटा ऑन करें, तो आपका नेट काफ़ी तेज चलेगा। उसके बाद दूसरा जो तीसरा फीचर जो है वो इसका ये है कि आप जानते हो कि मोबाइल की जो सिम होती है, जब उसमें सिग्नल कम होते हैं तो वो सिग्नल गेन करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से इसमें पावर ज़्यादा लग रही होती है और ये जो होता है पावर की वजह से ये मोबाइल ज़्यादा रेडिएशन पैदा करते हैं, जिससे हमारे जिस्म के अज़ा मुतासर होते हैं। तो अगर आप इस तरह मतलब मोबाइल को अपने पास रखते हैं अपने ऊपर वाली जेब में, तो मोबाइल को ऊपर वाली जेब में हरगज़ ना रखा करें, ताकि इसको अपनी जेल से दूर रखें। ये जो रेडिएशन पैदा करती है, इससे हमारी जेल ख़राब होती है, इससे हमें ऐसी बीमारियाँ लगती हैं जिनका इलाज ही मुमकिन नहीं है। तो प्लीज़ अपने मोबाइल को दूर रखा करें, और नज़र पर यह बहुत गहरा असर डालती है। अगर आप एरोप्लेन रात को सोते हैं और तकिए के नीचे इसको रखते हैं, तो प्लीज़ अपना एरोप्लेन मोड ऑन कर लीजिए, ताकि आपके ये जो मोबाइल की रेडिएशन होती है ये नहीं आप तक पहुँच सके और रेडिएशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये रेडिएशन आप तक पहुँचेंगी, ये ज़्यादा मतलब एनर्जी लेने की कोशिश करेंगी और रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगी, तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये तीन टिप्स थी, और इसके अलावा एक ट्रिक और ये भी है एरोप्लेन मोड की। आप देख सकते हैं, अब एरोप्लेन मोड है, अगर आप अपनी सिम निकाल लें मोबाइल से और एरोप्लेन मोड लगा दें तो ये कुछ फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर सिम इसमें डाल दें और अगर आपके पास दो सिम है, तो आप एक एरोप्लेन मोड एक पर लगाना चाहिए लगा सकते हैं, मतलब एक सिम आपकी टेम्प्रेरी बंद कर देगा। तो ये थे एरोप्लेन मोड के फीचर्स। तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।